दादाजी हैं और ये मैं धीरे धीरे मतलब एक एक सामान जमा हो रहा है। और पिछले महीने में जो कुछ ये महीने के बाद में जो महीना आएगा 4-5 तारीख तक खुद से और आरसे सेट करने का प्लान बना कर रखे हैं तो हो जाएगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दिनेश पवार का। फ्रेंड, सुबह का उठकर काम धंधा चालू हो गया है हमारा। घर भीर तो अभी तक नहीं हुआ है, पर लखन देखे रोटी बीटी बना रही है, गर्म पानी हो रहा है। आज का नई वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए मुबारक हो, मतलब पसंद कीजिएगा हमारा आज का नई वीडियो। आज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं देखते हैं। रोटी आज सुबह सुबह में बन रही है और दिनेश जी दाढ़ी कटिंग के लिए जाएंगे, भगवान जी की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद दाढ़ी कटिंग के लिए जाएंगे। तो निकले तो फैमिली दाल भी तो क्या बनती है क्या नहीं छोड़ा है। हनुमान थाम देर जी आए हैं और कुछ नहीं, अभी सब काम बाकी है, अभी काम स्टार्ट हुआ है। कल वो हमारी मूंगफली नींद कर थोड़ा थक गए थे तो अभी उठे हैं हम। शाम तो देखा है, ये देखे सूर्यदेव का, आप भी सब दर्शन करिए। और सुबह का वातावरण इतना ही हम दिखाते हैं फैमिली, ज़्यादा नहीं। हमारा घर का आसपास जितना है उतना है और ये गहन सब है ना, वो करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। इतना ही दिखाते हैं। ये ट्रैक्टर वगैरह तो लोगों के हैं, काम भी करते हैं फैमिली। अभी आ गए तो नमस्कार है दोस्तों आप सभी को। आज एकादशी 16 अगस्त है और नहा लिया हूँ और अभी कोई ग्राहक है दाढ़ी कटिंग का, उसे मैं दाढ़ी कटिंग बनाता हूँ। तब तक पूजा लखानी खाना बना रहे हैं और मम्मी ब्रश कर रही है, तो देखते हैं आगे आज क्या क्या होता है क्या नहीं। तो यह बच्चों को कुछ लेकर देता हूँ और मेरा भी कुछ काम है, मैं दुकान पर जाता हूँ। लखानी, हाँ, ये मोबाइल आपके हवाले और पूजा के हवाले। कोई जरूरत नहीं है दिनेश जी, हमारे दोस्तों को हम हमारे दोस्तों के साथ हम बोल लेते हैं। हाँ, अच्छे से बोलना और अच्छे से दिखाना। तो रोटी बीटी तो बन रही है और दिनेश जी भी जा रहा है दाढ़ी कटिंग के लिए, बच्चे लोग भी खेल रहे हैं और पूजा दीदी शायद कुछ बर्तन वगैरह साफ कर रही है और ये धुआं धुआं हो रहा है। कोई नहीं हमारे साथ चिड़े रही है, देखते हैं सब्जी किसकी बनती है किसकी नहीं। अभी तक प्लान नहीं है कि सब्जी काय की बनाने की है तो बनाएंगे। चिड़े रही है।
रोटी तो बना लिया है और शतरानी तारिणी ससुमा ऐसे सदीर बैठे हैं, रोटी बना के रख दिया और मटकी दाल का सुझाव दिमाग में आया तो मटकी दाल कर रहे हैं और टमाटर कोथमीर सब पड़े हैं और हम थोड़ा घर भी साफ कर लेते हैं दोस्तों। और दिनेश जी तो दाढ़ी कटिंग कर रहे हैं, भगवान जी की पूजा भी कर लिया है और बहुत काम है, खेत में जाने का भी है, शॉर्ट वीडियो बनाने का है और मेरा नीलकंठ दाढ़ी कटिंग वाले बैठे हैं सब। और नहीं नहाए धोएंगे और जाएंगे खेत में और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम अभी घर भी साफ कर लेते हैं तो, और पूजा दीदी तो बर्तन ही साफ कर रही है अब तक। सब डबड़े डबड़े पानी के खराब हो गए थे, फैमिली गंदे भी थे, वो आज बहुत दिनों के बाद धो रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है और गर्म पानी भी हो रहा है। और कितने दो दिन हुए हैं ये बकरी को बच्चा देने के लिए, तो बच्चा अभी चलने फिरने लगा है बहुत अच्छी तरह से। और मेरा नीलकंठ तो इतना उनको तकलीफ करता है ना दोस्तों। हाँ, अपनी सभी फैमिली को नमस्कार बोलो बोलो। हाय तारिणी, अपनी फैमिली को दीदियों को नमस्कार। आज ने क्या 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 कुछ तो नहीं बोला शत्रानी, आप फैमिली नमस्कार। सदीर नमस्कार। नमस्कार। और नीलकंठ टाटा हाय। क्या बोलना बोलना नहीं आता, क्या बोलना। पूजा दीदी सब्जी करने की तैयारी कर रहे हैं, दाल फैमिली और चाय बन रही है। 8 बज गए हैं चाय को आज, क्योंकि काम धाम था तो पूरा निपट लिया, मैंने रोटी पका लिया है क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। कि उसे चटनी निकाल लिया है, ये चटनी मैंने लाया है ना। सदीर चाय भी मंग रहा था, मन का कि चटनी निकालने के लिए चटनी का डब्बा पड़ा है, ये ला लिया है मैंने। और गरम मसाला और शक्कर मैंने किधर रखी, शक्कर इधर है भाई। पाव हमारी शत्रानी तो पाव ही मांगती है। चाय पत्ती, चाय पत्ती क्या काली वाली ही चाय बनती है फ्रेंड्स बहुत दिनों से, क्योंकि कोई हमारी फैमिली में से है वो हमेशा बोलती है कि दूध ना हो तो दूध पाउडर लाना चाहिए, दूध पाउडर लाना चाहिए तो है ना फ्रेंड्स, सही में हम भूल जाते हैं। और ज़्यादातर किधर बाहर नहीं, अभी जाने आने का बन रहा है, कुछ घर का ही काम धाम चल रहा है उस कारण से इसलिए वो बाहर नहीं जाता, पर आना जाना बन रहा है। तो कभी जाएंगे तो हम दूध पाउडर याद इधर से ऐसे बोलते जाएंगे, दूध पाउडर लेने का है दूध पाउडर, ये ऐसे दिमाग में रखेंगे और लिएगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी तक।
तो इसलिए वो बात है, लाएगे जरूर लाएगे कभी ना कभी। तो आए मीठ पड़ी जासे, मीठ पड़ी जासे कुछ खाड़ा तुमने बोल दे तो ले ऐसा कोखर को। चाय तो बन रही है, हमारे साथ बनी रही है, क्या होता है क्या नहीं। रोटी वगैरह तो पक गई है और पूजा दीदी भी सब्जी करने के लिए बैठ गई है, तो अभी कोई काम नहीं बचेगा। कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाने का है अपने इंस्टाग्राम में, तो खेत में बनाया गया अपने अच्छे अच्छे लोकेशन में। तो चलिए गया है, बच्चे लोग तो नहीं दिख रहे, ऐ लोग देखिए। दाल भी हो गई है उबल के, हमने वो भोगोनी में निकाल लिया है दाल, और सासू माँ बैठे और पूजा दीदी देखियो कंट्रोल में से चावल भी ला लिया है। मैंने अभी अभी लाए हैं तो 20 किलो ये चावल और 10 किलो गेहूँ। ये गेहूँ अब फ्रेंड्स से गेहूँ जो कंट्रोल में का रहता है ना, उनकी रोटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए ना हमारे बकरियों को रहेगा तो अच्छा रहेगा। और तारिणी बैठी है, नीलकंठ गाड़ी खेल रहा है, तो थोड़ी देर चले हम दिनेश जी के पास जाते हैं, वो क्या बोलता है क्या नहीं। उनकी दादाजी की दाढ़ी कटिंग कर रहा है, वो दाढ़ी कटिंग कर रहा है। ये है दादाजी। नमस्कार फैमिली। ये दिनेश जी के पिताजी का काका दादाजी है, और ये धीरे धीरे मतलब एक एक सामान जमा हो रहा है, और पिछले महीने में जो कुछ ये महीने के बाद में जो महीना आएगा 4-5 तारीख तक खुद से और अरसे सेट करने का प्लान बना कर रखे हैं, तो हो जाएगा। वो होने के बाद में सब ग्राइक हो गए, जो सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक इतना भीड़ होता है कि ख़त्म नहीं होता। तो कोई नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से। और ये मेरी मम्मी का काका है, मेरी मम्मी का काका तो मेरा दादाजी है, और मेरा नीलकंठ रोते आ रहा है, उनको शायद किसी ने दिया होगा। रुको रुको नीलकंठ, सधीर और सागर बकरियां छोड़ने की तैयारी चल रही है, और पूजा दीदी खाना बांधने की तैयारी कर रही है, और दिनेश जी कुछ रील्स वगैरह बनाएंगे। हाँ, और खेत का भी काम करेंगे धीरे धीरे। बराबर, अभी तो कोई काम नहीं बचा है यार। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मक्की दाल और तो कहीं भी पूरा काम सही में हो गया है, तो हमें लग रहा है शायद लंबा भी वीडियो हो रहा है, इसलिए आप सभी दोस्तों से इजाज़त भी चाहते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपका प्यार आशीर्वाद और लाइक कमेंट शेयर करिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी करना। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा मतलब मनोरंजन आपके करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश, नमस्कार।